तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर एमपी बोर्ड की डीएलएड परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो कि फर्स्ट ईयर के लिए हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपका भी 23 जुलाई को पाठ्यचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण ये वाला क्वेश्चन पेपर होने वाला है तो यहाँ से आप लोग पूरा का पूरा इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से समझ कर जाइएगा, क्योंकि देखिएगा इस क्वेश्चन पेपर में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखो, आपका जो पेपर का कोड होगा वो आपको प्रवेश पत्र पर ही लिखा होगा। इसका पेपर का कोड रहेगा 805। यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हो। अब चलो जल्दी से हम इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और समझते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको 23 जुलाई को होने वाले क्वेश्चन पेपर जो होगा उसके लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम पी है। तो आप सब लोग इसको अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा और अच्छे प्रकार से पूरा समझ भी लें। तो देखो, क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार का आएगा। आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल इसमें 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे डीएलएड का पूरा क्वेश्चन पेपर जो कि आपका फर्स्ट ईयर के लिए है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आपके इस क्वेश्चन पेपर को। तो देखो, आपके पेपर के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे का और टोटली आपका ये 50 अंक का क्वेश्चन पेपर होगा। तो देखो, यहाँ से आपको ये आपको पढ़ लेने निर्देश वगैरह। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आपके क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिएगा, 23 जुलाई को आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से आपके बैठ सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को अपने क्वेश्चन पेपर की तैयारी के लिए अच्छे से हेल्प जरूर कर लें। तो चलो इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कब हुई। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा क्या, इसका राइट आंसर आपका आएगा 12 नंबर का, सन 1945 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुक्त शैक्षणिक संस्थानों का राष्ट्रीय भंडार किसके द्वारा शुरू किया गया। देखो, आपका जो प्रश्न नंबर 2 है ना, इसका राइट आंसर आपका क्या जाएगा, यहाँ से आप लोग देख ले, NCERT के द्वारा जारी किया गया, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 3 लिखा है, एक स्मार्ट क्लास में ये उपकरण नहीं पाया जाता। तो देखो, इसमें से जो है ना, क्या नहीं पाया जाता स्मार्ट क्लास में, तो देखो ब्लैक बोर्ड नहीं पाया जाता, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, उपयोगिता के आधार पर ई पोर्टफोलियो के प्रकार है। तो देखो, प्रश्न नंबर 4 जो लिखा है ना आपका, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, विकासात्मक ई पोर्टफोलियो, तो आ नंबर का इसका राइट आंसर होगा, इसे आप लोग नोट कर लें। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं, वेबसाइट का महत्व है। तो देखो, शीघ्र पृष्ठ पोषण में, विश्वसनीयता में, दृश्यता में, या उपरोक्त सभी में। तो देखो, इसका राइट आंसर आपको लिख देना, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी, यहाँ से आप सब लोग अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। तो पहला रिक्त स्थान देखते हैं, NCERT की पाठ्य पुस्तकों और संसाधन पुस्तकों को रूप दिया गया। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका क्या जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आएगा आपका, यहाँ से आपको इसका राइट आंसर लिखना, ई बुक्स, क्या राइट आंसर आएगा, ई बुक्स इसका राइट आंसर आ जाएगा, तो ये लिख लेना आपको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ब्रेन बेस्ड लर्निंग की रणनीतियों में बच्चों की सक्रियता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो देखो, यहाँ से आपको लिखना शारीरिक, क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, शारीरिक सक्रियता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किसी विशेष से संबंधित तथ्यों को कहते हैं। तो देखो, किसी विषय से संबंधित तथ्यों को क्या कहते हैं, तो देखो यहाँ से आपको लिखना शोध, तो यहाँ से आपको शोध इसमें लिख देना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, पोर्टफोलियो शब्द की उत्पत्ति इटालिक शब्द से हुई। तो देखो, शब्द कौन सा था, अपन यहाँ पे लिख देते हैं, तो देखो इसका नाम था पोर्टा और उसके बाद में फोगलियो, तो यहाँ से आपको लिख देना पोर्टा फोगलियो, या आप लोग चाहे तो इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हो, आप लोग ऐसे मत लिखना, यहाँ से आपका आएगा फोग या लियो, इस तरह से आप लोग लिख लें, पोर्टा फोज लियो या फोग लियो, आप जो भी समझे। और उसके बाद में अगर आप अंग्रेजी में लिखना चाहो तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, देखो यहाँ पर आपको लिखना पोर्टा और इसके बाद में आगे लिखना आपको फोग लियो, फोज लियो, इस तरह से जी और इसके बाद में LIO, तो इस प्रकार से आप लोग लिख लें इसको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा वेबसाइट फाइलों का एक है। तो देखो, वेबसाइट क्या है, फाइलों का एक संग्रह है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना, संग्रह है, वेबसाइट फाइलों का एक क्या है, संग्रह, यहाँ पर आपको संग्रह नोट कर लेना है। तो देखो, इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। कंप्यूटर के महत्व के 2 बिंदु आपको लिखना है, वर्ल्ड वाइड वेब की 2 विशेषताएँ आपको बतानी है, और उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन इनको देखने हैं, ई पोर्टफोलियो के 2 कार्य, ई परीक्षा की 2 विशेषताएँ, ब्राइट स्टॉर्म क्या है, और उसके बाद में देखो आगे वर्ल्ड
वाइड टेलीस्कोप क्या है, और इसके बाद में प्रश्न नंबर 9 को देख लें, उसके बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 11 को आप लोग देख लीजिए, 11 के बाद में 12वां क्वेश्चन ये लिखा है, उसके बाद में देखो 13वां 14वां सभी के सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ से आपको बता दिए। और आपका जो पेपर होगा ये वाला केवल और केवल 50 अंकों का होगा, तो आपको इसको करने में भी सरलता होगी, कोई ज़्यादा दिक्कत इसमें आएगी नहीं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।